एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करेंगे तुर्की को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब जानते हैं कि तुर्की और भारत के जो आपसी संबंध है ये अच्छे नहीं है, लेकिन इसमें तुर्की ने इस बार हद पार कर दी है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि तुर्किश गवर्नमेंट ने भारत को वेपन एक्सपोर्ट या दूसरे जो डिफेंस इक्विपमेंट है इनके एक्सपोर्ट पर कंप्लीट बैन लगा दिया है, और इसे एज अ रिएक्शन देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ महीने पहले नई दिल्ली ने भी एक तुर्किश कंपनी जो कि भारत के शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी उसके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया था। हालांकि अभी इसकी जो पब्लिक अनाउंसमेंट है ये तो नहीं करी गई, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये डिसीजन तुर्की की पार्लियामेंट में लिया गया है, जहां पर तुर्की ने फॉरेन अफेयर कमेटी की एक डिबेट के दौरान इसको डिस्कस किया था और उसके बाद ये निर्णय सामने आया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुर्की का जो रुझान रहा, झुकाव रहा, वो अक्सर हमने पाकिस्तान की तरफ देखा है, और एक के बाद एक जो एंटी इंडिया स्टेटमेंट है ये तुर्की की तरफ से दी भी गई थी, तो इसमें कोई चौंकने वाली बात भी नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत लक्षद्वीप में अपने जो मिलिट्री प्रेजेंस है इसको लगातार बढ़ा रहा है, और वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको अपग्रेड करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो इसी बीच आज सुबह एक नई रिपोर्ट सामने आती है, जहां पर भारत सरकार के द्वारा नए एयरबेस जो कि लक्षद्वीप में बनाए जाने हैं इनके निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। और इसमें जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें एक नया एयरबेस जो कि मिनिकॉय आइलैंड में बनाया जाएगा इसको लेकर के खबर सामने आई है। वहीं एक एग्जिस्टिंग एयरफील्ड जो कि अगत्ती आइलैंड में है इसको अपग्रेड करने की बात सामने आई है। माना जा रहा है कि लक्षद्वीप से अब भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स और दूसरे जो प्लेन हैं ये ऑपरेट करेंगे, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बीते समय के साथ और भी ज्यादा मजबूत किए जाएंगे। इस समय भारत सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि लक्षद्वीप में जो एयरबेस है और जो नया एयरबेस बनना है यहाँ पर भारतीय वायुसेना और नौसेना के जो ऑपरेशन है ये अविरोध रूप से शुरू रहे, ताकि किसी विषम परिस्थिति में जो क्विक रिस्पॉन्स है वो दिया जा सके, और इसीलिए भारत इस समय जो अपग्रेड की प्रक्रिया है इसको मंजूर कर चुका है। दोस्तों, हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। हम सब एक बात काफी अच्छे से जान चुके हैं कि भारत के जो इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम है अब ये पूरी तरीके से अमेरिकी इंजन पर डिपेंडेंट है, फिर चाहे वो तेजस मार्क 1A हो, एमका मार्क 1 हो या फिर तेजस मार्क 2 हो। और ऐसे में अगर अमेरिका किसी डिस्प्यूट के चलते इनको ब्लॉक करता है तो भारत में समस्याएं काफी गंभीर हो जाएंगी, और इस चीज को अब भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से समझ चुकी है। और रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अब इंडियन एयरफोर्स खुद जो MRFA प्रोग्राम है इसको पुश कर रही है, और शीघ्र अतिशीघ्र इसमें जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं इंडियन एयरफोर्स के मैसेज से, जहां पर $20 बिलियन की ये डील बहुत जल्दी फाइनलाइज हो सकती है, क्योंकि भारत के ये जो नए ट्विन इंजन फाइटर्स होंगे ये उन समस्याओं को टैकल करेंगे जो अभी प्रोडक्शन को लेकर के शुरू है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी तेजस मार्क 1A की जो डिलीवरी है ये तो प्रभावित हो ही चुकी है, और अभी तक F414 का जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ये भी साइन नहीं हुआ है, और जब तक ये इंजन नहीं आएंगे आप तेजस मार्क 2 के फास्ट प्रोडक्शन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे में अब MRFA हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बन चुका है। माना जा रहा है कि इसी वर्ष के अंत से पहले जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये मिल सकती है, और उसके बाद जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो इशू किया जाएगा, और इस पूरे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है, और जो अननेसेसरी जो प्रोसेस होते हैं स्टेप होते हैं प्रोक्योरमेंट के इनको एलिमिनेट करने का प्रयास भी किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि वाकई भारतीय वायुसेना जो कह रही है इस पे वो कितना टिके रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2019 से 2024 आ गया है और ये डील फाइनलाइज नहीं हो पाई है। भारतीय वायुसेना इस समय डिफेंस PSU की जो हरकत है उनसे कितनी नाराज है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक सभा को संबोधित करते हुए एयर मार्शल AP सिंह सर ने भारतीय वायुसेना के रोष को सबके सामने व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हमने आज के मौजूदा जियोपॉलिटिकल इवेंट को देखकर एक चीज तो सीख लिया है कि आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। अगर हम सच में खुद को ताकत बनाना चाहते हैं, ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। उन्होंने कहा, आज के समय में कोई किसी का परमानेंट एनिमी या कोई किसी का परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, सबके अपने परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं जिसकी पूर्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ऐसे में अगर हम सही मायने में अपनी ताकत में इजाफा करना चाहते हैं तो आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भर भारत जो है यही हमारा एकमात्र रास्ता हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज अगर हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं या किसी भी वेपन सिस्टम को खरीदने की कोशिश करते हैं तो हमारा पहली प्राथमिकता ये होती है कि वो भारत में ही बनाए जाएं, उसके लिए जितने क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं वो सभी भारत में बनाए जाएं, ताकि किसी विषम परिस्थिति के आने पर या अलायंस के शिफ्ट होने पर हमें उनके स्पेयर्स या दूसरे पार्ट्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े या उनके लिए हमें इंतज़ार ना करना पड़े।
और इसीलिए भारतीय वायुसेना का ये जो आत्मनिर्भरता का स्टेप है ये और महत्वपूर्ण बन जाता है। उन्होंने कहा आने वाले भविष्य में जो वेपन सिस्टम होंगे या दूसरे एयरक्राफ्ट होंगे इन सब का निर्माण भारत में किया जाएगा और अब हम आत्मनिर्भरता के जो रास्ते हैं इनको छोड़ नहीं सकते। और यहाँ पर ज़रूरी ये है कि जो चीज़ें या जितने भी कंपनियाँ भारतीय वायुसेना के अलग अलग कह सकते हैं प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं वो किसी प्रकार से अपने जिम्मेदारी को ग्रांटेड ना लें, क्योंकि यहाँ पर डिले की स्थिति में अब भारतीय वायुसेना इसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगी। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल के इस बयान को भारतीय वायुसेना के रोष के तौर पर देखा जा रहा है जो कि उन्होंने हालिया इवेंट को लेकर के उठाया है। हम सब जानते हैं भारतीय वायुसेना घटते स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है और इस प्रकार अगर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी डिले होती है या दूसरे क्रिटिकल जो हमारे सिस्टम है इनकी डिलीवरी डिले होती है तो इसका प्रभाव भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी में पड़ता है और इस चीज़ को उन्होंने बाखूबी व्यक्त भी किया है। अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना को लेकर के आ रही है। भारतीय थल सेना इस समय अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को लगातार इन्हेंस कर रही है और इसी क्रम में भारतीय वायुसेना को लेकर के एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना इस समय महिंद्रा ALSV जो उनकी व्हीकल है उसमें जो लॉयटरिंग म्यूनिशन है इनको इंटीग्रेट करने पर ध्यान दे रही है। जी हाँ, भारतीय थल सेना ने ये टारगेट रखा है कि महिंद्रा ALSV जो व्हीकल्स हैं इनको लॉयटरिंग म्यूनिशन से इंटीग्रेट किया जाए और प्रत्येक ALSV में तकरीबन 4 लॉयटरिंग म्यूनिशन जो है ये इंटीग्रेट किए जाएंगे। लॉयटरिंग म्यूनिशन मॉडर्न वॉरफेयर के सबसे घातक वेपन सिस्टम में गिने जाते हैं, क्योंकि आप सब ने रशिया यूक्रेन युद्ध में देखा है कि जिस प्रकार की तबाही इन लॉयटरिंग म्यूनिशंस ने मचा रखी है उसको देख करके भारतीय थल सेना भी अब काफ़ी सीख चुकी है और वो भी इस प्रकार के जो एडवांस वेपन सिस्टम है इनसे अपने व्हीकल्स को इंटीग्रेट करने वाले हैं। हालांकि ALSV की बात करें तो लॉयटरिंग म्यूनिशन के अलावा इन्हें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इक्विप किया जाएगा और इसके बाद इनकी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है ये और भी ज़्यादा इन्हेंस होगी और इसका सीधा फायदा भारतीय थल सेना को मिलेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत अपने जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिसमें AMCA के लेटर वेरिएंट शामिल है इनको एडवांस सेंसर और सिस्टम से इक्विप करने पर काम कर रहा है और इसी क्रम में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है डैश को लेकर के। जी हाँ, आपने सही सुना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम जो HD है इस पर काम को तेज कर चुका है। ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो कि DRDO के द्वारा विकसित की जा रही है और इसमें DRDO की संस्था जिसमें इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट यानी LRDE और दूसरी जो संस्थाएं हैं वो शामिल हैं और इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा जो क्रिटिकल टेंडर्स हैं ये इशू किए गए हैं जहां पर इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर फाइटर जेट्स को इन गेम चेंजिंग सिस्टम से इक्विप किया जाएगा। दरअसल अगर हम डैश की बात करें तो इसकी अपनी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं जिसमें पहली है ऑटोनोमस थ्रेट डिटेक्शन। जी हाँ, ये जो सिस्टम है ये एक सराउंडिंग को स्कैन करने के टेक्नोलॉजी के साथ में आएगा जो कि ऑटोनोमसली स्कैन करेगा सराउंडिंग को और अगर कोई भी पोटेंशियल थ्रेट होती है तो उसको ये आइडेंटिफाई करेगा और तुरंत पायलट को इसकी जानकारी देगा और ऐसे में जो पायलट का वर्कलोड है उसको भी ये रिड्यूस करेगा। दूसरी बड़ी कैपेबिलिटी यहाँ पर जो मिलेगी वो होगी एडवांस ट्रैकिंग की। यहाँ डैश HD जो है ये सुपीरियर ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को प्रदान करेगा जो कि पायलट को अलाउ करेंगे कि ये मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा एक्यूरेट थ्रेट आइडेंटिफिकेशन भी जो कैपेबिलिटी है वो ये प्रदान करेंगे और ये सारे सिस्टम हमें आने वाले भविष्य में AMCA जैसे जो फाइटर जेट्स हैं इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।